ओके, ये मेल है लेकिन ये ऑलरेडी कपल है, तो हमें ऐसा मेल ढूंढना पड़ेगा जो कि सिंगल हो। ओके, ये फीमेल है। और ओके, ये सिंगल मेल है जिसका नाम बक है, तो अभी इसके साथ। अरे भाई, खुजा के इम्प्रेस करेगा क्या इसको? वेलकम टू एंसेस्टर द ह्यूमन काइंड ओडिसी। खैर, इस गेम के अंदर हम लोग 1 करोड़ साल पहले जाने वाले हैं, जब हम लोग बंदर हुआ करते थे, और बंदर से लेके इंसान तक की जर्नी हमें इसके अंदर तय करनी है। और इस गेम को वैसे तो हम लोग सर्वाइवल गेम ही कहेंगे, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है, लेकिन इसके अंदर न्यूरॉन के जो चेंजेस हुए थे, मतलब जो हम इवोल्यूशन पूरा हुआ, वो हमारे हाथों में होगा और हमें कंट्रोल करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, सीधा शुरू करते हैं गेम को। ओके, तो गेम की शुरुआत में हमें एक इंट्रो दिया हुआ है, तो पहले उसको देखते हैं। इसके अंदर हमें गेम के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताई जाएगी। दस लाख साल पहले, 10 लाख ही है ना ये? उभयना कोंडा। तो इन सब से इस गेम में हमें बच के भी रहना है, तो ये भी देख लेना भाई क्या क्या हो सकता है। वो बच गया भाई, वो मछली की वजह से बच गया, लेकिन ये क्रोकोडाइल, वो पिराना थी वो। ओ भाई, पिराना से डर भी नहीं लग रहा इनको, क्या बात है। वेट, जेगुआर, इसमें जेगुआर भी है। वैसे कभी क्या आपने जेगुआर को रियल में मगर को मारते हुए देखा है? मतलब मैंने देखा है, बहुत गजब का, इसी तरह से मारता है, लेकिन भाई क्या ताकत होती है जेगुआर में। मछली नीचे गिर गई है। एंसेस्टर द ह्यूमन काइंड ओडिसी इस गेम का नाम है। वो पिराना मुझे लगता है अभी शायद हमारे पास ही जाएगी घूम घूम के। ओ ये बच्चा कैसे टिंगा हुआ है पीछे। अरे भाई, किसी के साथ शेयर भी कर लो भाई, ऊपर चला जा रहा है। मुझे लगता है ना यहाँ पर गलत सीन होने वाला है, क्योंकि लालच कर रहा है, ऊपर जाकर गिर जाएगा शायद। अबे भाई, मैंने सोचा शायद कुछ शेर भी रहेगा और मारेगा, इतना बड़ा पंछी कहाँ से आ गया? क्या ऐसा भी होता था? ओ, फाइनली हमारी शुरुआत हो चुकी है, और हम एक छोटे से बच्चे। शुरुआत में हमें पहले हाइडिंग स्पॉट ढूंढना है, और भाई ये कितना डरा हुआ है, मतलब कितने सारे शेरों की शक्ल इसको दिख रहे हैं, मतलब फियर में। देखते हैं, यहाँ पर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर हाइडिंग स्पॉट ढूंढना है हमें सबसे पहले। वो ये रहा, वेट, ओके, क्या इसको मार्क कर सकते हैं हम लोग? ओ नाइस, ये मेमोराइज भी हो चुका है, तो अभी हम लोगों को ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, वो हमें दिखाई देगा। लेकिन भाई, किस तरह का भाई डर, कितना ज्यादा लग रहा है, और छोटा सा बच्चा है, पर वहां तक पहुंचने में कहीं पर हमें कोई ठोक ना दे। मतलब वैसे इस गेम का हम लोगों ने ये छोटा सा पार्ट बनाया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम लोगों को ये गेम पसंद आएगा भी कि नहीं, क्योंकि इसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो गए। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से रीच बढ़ेगी, ज्यादा लोग देख पाएंगे और इसके और एपिसोड्स आएंगे। अरे भाई, उतर जा, कहाँ चढ़ रहा है? जल्दी से पहुंचना है हमें वहां पर, इतना डरा हुआ है ये। वो फाइनली भाई, हाइडिंग स्पॉट तो मिल गया हमें। ओ, हम लोग बदल गए, अभी हम लोग एक एडल्ट मंकी बन गए हैं, और हमारा काम है वो जो चाइल्ड खोया हुआ है उसको ढूंढना है हमारा काम। और वेट, ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग स्प्रिंट कर सकते हैं और जंप कर सकते हैं। ओके नाइस। और अरे यार, कैंसल जंप का जो आता है ना, ये बहुत परेशान करता है, लेकिन ठीक है। और यहाँ पर ये शायद सोने के लिए बिछाया हुआ है, तो अबे जाकर के उस बच्चे को ढूंढना पड़ेगा। और मुझे आवाज़ तो आ रही है यहीं कहीं से, शायद वो आस पास ही है वो बच्चा।
बट यहाँ पर एक रीज है आगे, वहां पर जाकर देखते हैं। यहाँ पर इसको भी वो खौफ नजर आ रहा है, मतलब तो शायद उससे हम लोग पता भी लगा सकते हैं कि कहाँ पर कौन है। ओके, हमें सेंसेस का इस्तेमाल करना है लोकेट करने के लिए मेंबर को। मुझे लगता है वो नीचे ही है, यही नीचे ही है उस पर जो नीचे दिख रहा है ना। यस यस, ये जो ऑरेंज है ना वहीं पर मुझे लगता है वो है, तो वहां पर हमें जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। यहाँ पर से मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं यहाँ पर से कूदता हूँ तो क्या मैं मर जाऊँगा या जिंदा रहूँगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। और मैं गेम के शुरू में मरना नहीं चाहता, लेकिन हमें शायद रिस्क लेना पड़ेगा। मैं कूद रहा हूँ। ओ वेट भाई, बच गए। और यहीं पर शायद वो बच्चा है, जाकर देखते हैं। हाँ यही आगे है। ओके, तो वहां पर वो जो जहां पर से वो आवाज निकाल रहे हैं ना, वहां पर से वो एनिमेटेड आ रहा है, जिससे कि हम हमारी सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वो जगह है, हाँ यही पर हम लोग छिपे थे। तो अभी उसको बाहर भी बुलाना पड़ेगा हमें शांति से। भाई आजा भाई, लेकर चलते हैं तुझे। वैसे बच्चे की माँ मर चुकी है। आ गया फाइनली। अरे अरे ओके, हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? ओके, हमारी क्लैन तक पहुंचना है हम लोगों को, तो वापस ऊपर ही जाना है। जैसे ये जो आगे वाला पेड़ है ना, वहां पर एक अच्छी खासी ब्रांच है जो कि हमें वहां तक पहुंचा सकती है, तो मैं वहीं पर से चढ़ता हूँ। फिर यहाँ पर से पता चला बाद में हम लोग कूद ना पाए तो। भाई कितना प्यारा जंगल है ना ये, बहुत बढ़िया है यार। ग्राफिक्स तो काफी बढ़िया है इस गेम के। ओके, हमें ग्रैब करने, ओके अपने आप ही ग्रैब कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारे क्लैन के पास इसको लेकर के जाते हैं। यहाँ पर क्या ही बढ़िया यार, पानी नीचे जा रहा है, वहीं पर से हमें वो मछली मिली होगी। अरे भाई ये कुछ ज्यादा ही खुश हो गया, शायद भूल गया इसकी माँ मर चुकी है। दूसरे भी छोटे छोटे बंदर आ गए यहाँ पर। अरे अरे भाई, ये शायद मुखिया है यहाँ का, पता नहीं। अरे अरे भाई, अरे नहीं नहीं शैम्पू से नहीं धोया है बाल मैंने, नहीं ये पागल हो गया है क्या? शांत शांत भाई शांत। ओके, तो अभी हमें एक स्लीप के लिए स्पॉट बनाना पड़ेगा, जो कि हमने पहले देखा था वो उन पत्तों से ही बना हुआ था, तो शायद हमें उन पत्तों से इसको बनाना पड़ेगा। ओके, तो हमें अगर हमारा जो रेड वाला बटन हो जाता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉइजनिंग और उसमें होगा स्टेमिना, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग। ओके, स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा अगर येलो होता है तो। फिलहाल हमारा ग्रीन है वो, क्योंकि एक एनर्जी दिखाता है। और ठीक है, वो अपने आप ही हो जाएगा। और उसके लिए हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी जीनी पड़ेगी। भाई क्या ही रियलिस्टिक इसके अंदर सब कुछ बनाया इन लोगों ने। और ठीक है, अगर हमें कुछ भी एक्टिविटी करनी है तो हमें मूवमेंट अपनी बंद करनी पड़ेगी। वेट आता है कि नहीं? ओके, तो हम लोग लोगों को बुला भी सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सेंसेस का इस्तेमाल किया। और शायद यही वो पत्ते हैं जिससे हमें हमारा डीप स्पॉट भी बनाना है, तो जाकर के उन पत्तों को लेते हैं। इसको लेना कैसे? ओ नाइस, इसको अभी यहाँ पर डाल देते हैं कहीं पर। ओके, एक न्यूरॉन ग्रो हुआ है, यानी कि हमें हमारे ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। और यहीं पर हमारा मतलब सोने का जगह बना लेते हैं। और दूसरे भी ऐसे पत्ते लेकर आने हैं हमें। ओके गाइस, तो मैं सारे पत्ते तो लेकर के आ चुका हूँ, लेकिन इसको भी हमें वापस से ठीक से मतलब बिछाना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा हमें। और नाइस, सोने के लिए हमारी जगह बन चुकी है,
अब हम लोग यहाँ पर सो भी सकते हैं और इस बच्चे को ड्रॉप कर देते हैं। अब कितना उठाएंगे हम लोग। ओके राइस, तो ये तो हमारा बन चुका है सोने के लिए स्पोर्ट। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हमें कपल बनना है, हमें यहाँ पर किसी और बंदर के साथ। तो हम लोग शायद इसके अंदर फीमेल है, यस हम लोग फीमेल है, तो हमें यहाँ पर दूसरा बंदर ढूंढना पड़ेगा जो कि मेल है। और भाई सही बात है ना, इवोल्यूशन में सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन ही आएगा, क्योंकि जीनेटिक्स के ऊपर ही चलने वाला है ये। ठीक है, ढूंढते हैं यहाँ पर इस वाले को, देखते हैं। ओके, ये मेल है लेकिन ये ऑलरेडी कपल है, तो हमें ऐसा मेल ढूंढना पड़ेगा जो कि सिंगल हो। ओके, ये फीमेल है और ये सिंगल मेल है जिसका नाम बक है। तो अभी इसके साथ, अरे भाई खुजा के इम्प्रेस करेगा क्या इसको? ओ भाई, खुजा खुजा के बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पर, क्या बात है भाई। हमारे में ऐसा होता तो सोचो क्या होता। ओके, कपल बन चुके हैं और अभी हमें एक वाटरफॉल को ढूंढना है और हमें शायद प्रेगनेंसी भी इसके अंदर बढ़ानी होती है जहाँ तक मुझे पता है। तो देखते हैं उसका क्या सीन है यहाँ पर। हम लोगों ने जो सोने की जगह बनाई है वहाँ पर जाकर देखते हैं इस बच्चे का क्या करना है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। फिर हमारा बच्चा तो है नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग हमारा जो मेट है उसको बुला सकते हैं। ओ नाइस, मतलब हम उससे काम भी करवा सकते हैं क्या? मुझे एक और बात भी इसके अंदर देखनी पड़ेगी कि क्या हम लोग उसके अंदर जा सकते, मतलब अगर हम लोग हमारे मेट से भी खेल सकते हैं तो अलग ही। ओ भाई, ये गलत सीन हो रहा है शुरू शुरू में। अच्छा नहीं, प्रेगनेंसी आ गई। अभी हम लोग इस बच्चे को यहीं पर डिलीवर भी कर सकते हैं, क्या बात है। लेकिन यार मंकीज के अंदर मुझे लगता है 15 महीने तक की होती है शायद प्रेगनेंसी, तो मैं जल्दबाजी क्या है यार, शांति से करेंगे, ढूंढते दूसरी चीज़ें। खैर यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक